खुद पर तू कर यकीन, मंजिल की ओर चल दे, ना हो हताश परेशान, अपने इरादों पर बल दे। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे चैनल हिस्ट्रियोलिक पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में आगे बढ़ने के बाद आज हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का था, किंतु उसने इस 5 वर्षीय कार्यकाल में ऐसे काम किए जिसका प्रयोग आज के समाज में भी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर साम्राज्य के बादशाह शेरशाह सूरी की। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सूर साम्राज्य के बादशाह शेरशाह सूरी का कार्यकाल हुआ 1540 से 1545 तक। इतिहास ने उन्हें भुला दिया, शायद इसलिए क्योंकि उनका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का रहा। वह उनकी मृत्यु के बाद 10 वर्षों के भीतर उनका वंश समाप्त हो गया। किंतु भले ही शेरशाह का कार्यकाल 5 वर्ष का रहा हो, उनकी मेहनत, क्षमता, शासन व्यवस्था व हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की खूबियां ही उनकी असली ताकत थी। उनका असली नाम फरीद था व इनका जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर के जमींदार थे। फरीद ने बचपन में एक शेर को तलवार से एक ही वार में मार दिया था, जिस कारण वहां के सुल्तान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ। इस युद्ध में शेरशाह विजयी हुआ व उसने इस युद्ध के बाद शेर खां से अपनी उपाधि शेरशाह की। इसके ठीक एक साल के भीतर ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। 17 मई 1540 को इस युद्ध में शेरशाह ने बिना अपना एक भी सैनिक गवाए जीत प्रदान की। वह हुमायूं को वहां से भागना पड़ा। शेरशाह एक नेक दिल बादशाह थे। जब वे दिल्ली व आगरा पहुंचे तो मुगलों की प्रजा को सिर झुकाए देख वह उनकी आंखें भर आईं। शेरशाह ने अपने कार्यकाल में कई सराय व सड़कें बनवाई, जिसमें जीटी रोड प्रमुख है। शेरशाह ने चांदी का रुपया व तांबे के सिक्के चलाए। भारत सरकार द्वारा वही रुपया आज प्रयोग में लाया जाता है। उन्होंने डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया व किसानों का वे खास ख्याल रखते थे। सेना की वजह से यदि किसी किसान की फसल खराब होती थी तो वे उसे तुरंत हरजाना भिजवा देते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम का भेद हटाकर दोनों को एक समान पदों पर रखा। वे अपने हर सैनिक का वेतन खुद तय किया करते थे। उसकी क्षमता के अनुसार वे उन्हें वेतन दिया करते थे। शेरशाह जब अपने शत्रु बीर सिंह बुंदेला को पकड़ते हुए कलिंजर जहां पहुंचे, जहां के राजा की मदद से बुंदेला छुप गया था, 22 मई 1545 को उन्होंने उक्का नामक गोला चलाने का आदेश दिया एवं वे भी सैनिक दस्ते के साथ आगे आ गए। किले की दीवार 1230 फीट ऊंची थी। जब सैनिकों ने किले की दीवार पर गोला दागा तो वो वापस टकराकर उनके बारूद वाले खाने में आ गिरा। वह जोरदार विस्फोट हुआ और शेरशाह सूरी आधे जल गए। उन्हें उठाकर खेमे में लाया गया, किंतु वे अधभरी हालत में कहने लगे, मुझ पर वक्त बर्बाद करने की बजाय किला फतेह करो, मंजिल हमारे पास है। सैनिकों ने जबरदस्त युद्ध किया और किला फतेह किया। दोपहर को शेरशाह को यह खबर दी गई कि उनके सैनिकों ने वह किला फतेह कर लिया है। यह बात सुनकर शेरशाह ने सैनिकों व ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की। उनकी मृत्यु के बाद इस्लाम शाह उनका पुत्र गद्दी पर बैठा एवं इस महान बादशाह शेरशाह को सासाराम में दफना दिया गया।
तो दोस्तों ये थे वीर बादशाह शेर शाह सूरी, जिसका इतिहास हम भूल चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस में और नए रोचक तथ्यों के साथ वह शूरवीरों के साथ मुलाकात होगी। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आवर यूट्यूब चैनल दैट इज हिस्ट्रियोलिक। थैंक यू।